नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं CN24। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्रीष्म काल शुरू होते ही वनों में आग लगना शुरू हो गया है। वनों में लगने वाली आग से वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचता है, लिहाजा जंगलों को आग से बचाने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है और वन विभाग के लिए यह एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। ग्रीष्म काल शुरू होते ही वनों में आग लगने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वनों में लगने वाले आग से वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचता है, लिहाजा जंगलों को आग से बचाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है और वन विभाग के लिए यह एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। लेकिन वन विभाग के अफसरों की दूरदर्शिता और समय रहते किए जा रहे उपायों से काफी सफलता मिल रही है और वनों में लगने वाले आग को बुझाने की पहल भी हो रही है। महासमुंद वन मंडल अंतर्गत आने वाले सरायपाली वन परिक्षेत्र में जंगलों में लगने वाली आग को बुझाने के लिए पूरी टीम मुस्तैद कर दी गई है, लिहाजा छुटपुट आग लगने की घटनाओं पर फिलहाल काबू किया जा रहा है। हम आपको बता दें, सरायपाली वन परिक्षेत्र का एक बड़ा भाग वनों से आच्छादित है, जहां गर्मी शुरू होते ही आग लगने की घटनाएं शुरू हो जाती है। ऐसे में इस आग पर काबू पाना वन विभाग की टीम के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। लेकिन इस बार वन विभाग के सभी स्तर के कर्मचारी वनों की आग बुझाने के लिए मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं, लिहाजा आगजनी की घटनाओं पर काफी नियंत्रण है। वनों में आग बुझाने की कार्यवाही को लेकर जब वन परिक्षेत्र अधिकारी रामलाल व्यवहार से चर्चा की गई, तब उन्होंने कहा कि पूरी टीम मुस्तैदी के साथ ब्लोअर मशीन के माध्यम से जुटी हुई है। ग्रामीणों को भी समझाइश दी जा रही है और वनों को आग से बचाने के लिए कहा जा रहा है और उनसे अपील की जा रही है। अग्नि को सुरक्षित रख वन क्षेत्र में सुरक्षित रखने के लिए हमारी पूरी टीम वन सुरक्षा समिति के सदस्य एवं हमारे वन प्रबंधन समिति अध्यक्ष एवं हम समस्त स्टाफ समस्त वन क्षेत्र में सघन भ्रमण करके अग्नि का कंट्रोल कर रहे हैं। अभी तक की आज की स्थिति में कहीं पर हमारे वन क्षेत्र में अग्नि का विशेष दुर्घटना नहीं हो पाया है। छुटपुट राजस्व क्षेत्र में अग्नि का दुर्घटना पाया जाता है, जिसे हमारे वनकर्मी एवं वन सुरक्षा समिति के सुरक्षाकर्मी लोग तत्काल जाकर के कंट्रोल कर रहे हैं। इस मुहिम में हमारे 60 सुरक्षा श्रमिक एवं समस्त स्टाफ लोग रात दिन परिश्रम करके भिड़े हुए हैं, कहीं पर इस तरह का दुर्घटना ना हो पाए, इसके लिए हम बहुत ही प्रयासरत हैं। खास करके आम जनता को वन विभाग की ओर से आप क्या संदेश देना चाहेंगे आग से बचाने के लिए जंगलों को? हम गांव-गांव में जाकर यही मुनादी के माध्यम से एवं आम जनता को यही निवेदन कर रहे हैं कि वन क्षेत्र को अग्नि से सुरक्षित रखें, जिससे अग्नि दहन से जो नष्ट हो रहा है जीव जंतु से लेकर जलाऊ लकड़ी, वो बचाया जा सके, जिसका उपयोग आप लोग गिरी पड़ी सूखी लकड़ी का उपयोग अग्नि से बचाने के बाद में उपयोग कर सकते हैं। ऐसा संदेश हम ग्रामीणों को कर रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि वन क्षेत्र को अग्नि से बचाई जाए। महासमुंद से किशोर कर की रिपोर्ट, ACN 24।